नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत बीवीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए सरोजनी नगर विधानसभा 170 से चुनाव मैदान में उतरे युवा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए वोट देने की अपील की। पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला से बातचीत करने दौरान पत्रकारों को बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ धोखा किया गया, क्योंकि शिवपाल यादव को मन मुताबिक सीटें नहीं दी गईं, जबकि 3 बार चुनाव जीतने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। इसलिए मुझे सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के साथ सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही, जिसमें कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ग्राम प्रधान निवा के ओमकार चौरसिया एवं क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलेश चौधरी की रिपोर्ट। सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप जो है वरिष्ठ नेता भी रहे और हमारे क्षेत्र के, मान लीजिए लखनऊ में सरोजनी नगर क्षेत्र में करीब 4 बार आप तीन बार करीब वो मंत्री भी रह चुके हैं, आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई सर जो है आपने पाला बदल लिया अचानक ही, इसकी जानकारी हम चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ 3 बार से विधायक था और 2012 में जब मुलायम सिंह ने मुझसे कहा कि सरोजनी नगर सीट बार बार हार रही है बीएसपी का एमएलए, इसे जीत कर दीजिए, तो मैंने कहा आप तो मुझे कैंट लड़ाते कहाँ लड़ाते, अगर आप हमको सरोजनी नगर में दे दिए होते तो हो भी नहीं करता, हम जीता तो आप दीजिए हमको, हम जीतावेंगे। उन्होंने हमको टिकट दिया। अखिलेश मेरा विरोध कर रहा था, शिवपाल भी श्याम किशोर की मदद कर रहे थे, परंतु जब मुलायम सिंह ने कहा ये सीट हमारी है, शारदा शुक्ला ही लड़ेंगे, तो सब ये बैक हो गए। जब बैक हो गए तो मैं चुनाव लड़ा और 2012 में मैंने चुनाव जीता, और जीतने के बाद मैं पार्टी में काम करता रहा। फिर अखिलेश की, जब अखिलेश ने शिवपाल का इस्तीफा दिया तो मैंने भी इस्तीफा दे दिया। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद हम लोग दौरा करने लगे, तो जनता ने कहा कि आप लोग दोनों इकट्ठे हो जाएं तो सरकार बन सकती। हमारे प्रस्ताव था शिवपाल जी से कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं, गठबंधन कर लें और जिससे सरकार बन जाए। शिवपाल जी भी तैयार हो गए, अखिलेश से बात हुई। अखिलेश ने पहले शुरू से कह रहा था मैं चाचा को एक सीट दूंगा और बाकी मंत्री बनाऊंगा। अरे तुम्हारी सरकारें नहीं बनी तो मंत्री क्या बनाओगे शिवपाल को? फिर उसने कहा 6 सीट देंगे। शिवपाल जी ने 100 सीट मांगी, फिर 50 हुआ, 40 हुआ, फिर 15 हुआ और उनको दी 1 सीट। 6 सीट कहा था मैं 6 दूंगा, तो 6 में हम लोग सोच रहे थे हमारा रोल नंबर आ गया, क्योंकि हम लोग सीनियर हैं, तो हमारे 6 में 4 तरफ आवाज़ थी कि शारदा शुक्ला सपा से आ गया। एक सवाल और, चुनाव में लगातार आप कैंपिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद ये है कि राजेश्वर सिंह जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। क्षेत्र के विकास के बारे में क्या रोड मैप आप लोग? ये रोड मैप क्या, सारी मोस्टली सड़कें हमारी बनवाई हुई हैं और युवा की भी सड़क हमारी अब चल रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे हाईवा चल रहे हैं, तो टूटेगी। दूसरी चीज़, इस सीट को, इस सड़क को 4 लाइन होना चाहिए, मोहनलालगंज बनी टू वहाँ पूरी, और ये नहीं हुई, इसको 4 लाइन का ये संकन हमारे टाइम में, हमारे टाइम में। फिर हरोनी का फ्लाईओवर जो बनना था नहीं बना, वो भी सेंक्शन था, हमारा प्रस्ताव था। कलनखेड़ा की सही नदी का पुल हमारा प्रस्ताव था, और पकड़ी का पुल जिस पर हम लड़ाई लड़ते रहे, आधा खोल दिया था, आधा में सोचा था ये खोल देगी एमएलए, पर उस नहीं खोल पाई, अब इसको हम चलवा देंगे। बड़ा सवाल है, यहाँ से विधायक भी है, मंत्री भी है, लगभग प्रचार खत्म होने को लेकर दिख रही है, भाजपा भी है, दिख भी नहीं रही है, क्या अब ये उनका आउटलुक है, वो जाने वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पार्टी में रहना है तो काम करना, नहीं रहना तो जाने उनका काम। सवाल किया करके एक उनका एक क्वेश्चन है कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन फिर भी वो पार्टी में दिख रही है। पार्टी ने उनसे कहा कि नहीं कहा, मैं तो मंचों पर देखता हूँ कि सुरती सिंह का बोर्ड लगा होता, कुर्सी पर आती नहीं, आती नहीं, उसके बाद पार्टी तो उनको बुलाई गई, पर जब वो आती नहीं तो वो क्या करती। ओके सर, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ, विगत 5 वर्षों में ये सरकार डबल इंजन की सरकार, जैसे लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विगत 5 वर्षों के पहले जब यहाँ स्वाति सिंह मंत्री रहीं
तो वो सरोजिनी नगर में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया विकास के नाम पर। इस समय जो वर्तमान में अभी सरकार चल रही है, इस समय इनका जो है क्या मैनिफेस्टो में वो क्या कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि राम मंदिर चलेगा, मुद्दा क्या है उनका है सिस्टम, ये हम जानना चाहते हैं। ऐसा है, अब स्वाति सिंह ने जो नहीं किया उसका परिणाम उनको मिल गया कि उनका टिकट कट गया, घर बैठ गई। और जहाँ तक राजेश्वर सिंह का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और जो डेवलपमेंट के विकास के कार्य हैं इन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों का समर्थन है कि वो चुनाव जीत कर जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने घर भी बना रखा, ले रखा है यहाँ, जिसमें वैसे वो यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, और एक सीओ कैसर भाग हुआ करते थे रन बहादुर जी, आर्यन से आरबी से रन बहादुर सिंह, उनके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। तो इनका सारा पूरा परिवार यहीं रहता था और इनकी पत्नी भी इंद्रदेव सिंह के दामाद हैं। इंद्रदेव सिंह की लड़की से इनकी शादी, इंद्रदेव की लड़की आई जी जोन है। तो मैं तो समझता हूँ चुनाव। सर यहाँ पर जो समस्या है, गंभीर समस्या है, आए दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हर महीने में कम से कम 10 से 15 लोगों की यहाँ मौतें होती हैं। ये जो आपका मोहनलालगंज और जुनागंज तक जो रोड है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो ऑन रोड फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। कई बार यहाँ पर लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन ना तो शासन इस पर कोई कार्रवाई करता ना प्रशासन कार्रवाई करता है, तो इसकी निजात कब तक जनता को मिल पाएगी? ऐसा है, ये प्रकरण मेरे दिमाग में नहीं, किसी ने मेरा इस पर ध्यान खींचा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस वक्त तक कोई बात हो हमको बताइए, हम मौके पर आएंगे और उसका निदान करेंगे समस्या। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।